हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, जिनका सेशन 21 है, यानी कि 21 सेशन में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उन लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में 2023 में हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। 18 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें आधा रिजल्ट जारी ही किया गया था, कुछ आधे रिजल्ट आज जारी किए गए हैं। ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट जो है उस दिन जारी नहीं किया गया थे, जैसे कि OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीसियन, एक्सरे टेक्नीसियन और ड्रेसर जैसे कोर्सेज का रिजल्ट उस दिन जारी नहीं किए गए थे, तो आज फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कैसे रिजल्ट देखना है, और जो भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। और इस चैनल पर जो भी बातें बताई जाती है फैक्ट और रियल के साथ बताई जाती है, इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये रिजल्ट जो है 22 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है, ठीक है। और ये कॉलेज को भेजा गया है आज के दिन, यानी कि 24 अप्रैल को, दो दिन के बाद कॉलेज को सेंड किया गया। पहले भी जो रिजल्ट 18 को जारी भेजा गया था कॉलेज को, वो भी दो दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया था, मगर दो दिन के बाद कॉलेजों को सेंड किया गया। तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये 22 को ही रिजल्ट तैयार हो गया था, मगर कॉलेज को 24 को दिया गया। अब बात रहता है कि रिजल्ट जो है ऑनलाइन जारी नहीं किया जाता, ये रिजल्ट जो है फ्रेंड आप लोग का कॉलेज के जो ईमेल आईडी होता है उस पर सेंड किया जाता है। आप लोगों को पता है कि NMCH बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और रिजल्ट तैयार करके इस तरह से आप लोग के जो कॉलेज का ईमेल है उस पर सेंड कर दिया जाता है, और कॉलेज वाले इस PDF को निकाल कर रिजल्ट को अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं या बच्चों के पास भेज देते हैं। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया है, आप ऐसे ही वीडियो बनाकर फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं, ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है उनके पास ये रिजल्ट सेंड किया जाता है ईमेल पे, उसके बाद जो भी प्राइवेट कॉलेज जुड़े हुए हैं NMCH बोर्ड से, उनको धीरे धीरे करके रिजल्ट सेंड किया जाता है। लगभग 100 के आसपास जो है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि आपके NMCH बोर्ड से संचालित होते हैं, तो रिजल्ट सेंड करने में समय लगता है क्योंकि ईमेल से भेजना रहता है, तो इसलिए रिजल्ट जो है एक दो दिन के देरी में आप लोगों के कॉलेज में भी चल जाएगा। तो जो बच्चों के प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो वो अपना प्रिंसिपल से बात करें और देखें कि रिजल्ट आया है कि नहीं, उनके ईमेल पर चेक करते रहें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिजल्ट है पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि PMCH का रिजल्ट है, और इसमें देखिए ड्रेसर का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, और 16 स्टूडेंट इसमें पास आउट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नीसियन यानी कि DMLT जो होता है, इसका रिजल्ट दिया गया है, जिसमें 20 स्टूडेंट पास है, और यहाँ पर नंबर दिया गया। और इसके बाद जस्ट ही आप लोगों को 3-4 दिन के अंदर आप लोगों के कॉलेज में आपका जो मार्कशीट है वो सेंड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे फेल हो उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो जो बच्चे अभी फेल हो चुके हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करके तुरंत एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, इसलिए आप लोग को हताशा नहीं होना है और एग्जाम में अच्छे से तैयारी करना है अगर फेल हो चुके हैं तो, और नेक्स्ट टाइम आप लोग को पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं, 2-4 ऐसे बच्चे हैं हर कॉलेज में कि फेल किए गए हैं, तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं तो उनको हताशा नहीं होना, फॉर्म फिलअप करके नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए DOT है यानी कि OT असिस्टेंट टेक्नीसियन का रिजल्ट दिया गया है, तो PMCH में 22 स्टूडेंट पास हैं। फिर रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीसियन जो हो गया एक्सरे, ठीक है, तो इसमें 22 स्टूडेंट पास हैं फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर दिया गया रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीसियन का, तो इसमें 12 स्टूडेंट पास हैं। तो इस प्रकार से सभी कॉलेज का रिजल्ट दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका सहरसा का कॉलेज का है, और यहाँ पे जो भी कोर्स कराए जाते हैं OT टेक्नीसियन और, तो यहाँ पे उसका दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा वेस्ट चंपारण कॉलेज है, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हॉस्पिटल खगड़िया है, ठीक है, यहाँ भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि OT टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन कोर्स कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी में जो है, भीम्स पावापुरी, इसमें भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे अप्लाई भी हुए थे, जैसे कि डेढ़ में देख सकते हैं 3 बच्चे ही पास किए हैं, 6 से 7 बच्चे जो है शामिल हुए थे एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे भी बच्चे फेल हुए हैं। OT असिस्टेंट देखिएगा तो यहाँ पे लैब के वाले सभी बच्चे पास हुए। और यहाँ पे क्या है कि भीम्स पावरपुरी में कि एनेथिसिया डिपार्टमेंट बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर प्रैक्टिकल पाइपा में फेल होते हैं और कुछ एग्ज़ाम में भी फेल होते हैं। तो अभी तो भीम्स पावरपुरी की अभी स्थिति आप लोगों को पता है कि हाल ही में जो प्रैक्टिकल और भाई भाई का एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, लड़की के साथ छेड़खानी हुआ था, तो जो कि पूरा मामला बिहार में सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ही ड्रेसर और OT असिस्टेंट कोर्स आता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे फेल है, यहाँ पे OT असिस्टेंट में भी बच्चे फेल है 4-5, और ड्रेसर में भी 3-4 बच्चे जो है फेल है। तो इस प्रकार से आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडमिशन लेना के बेहतर है कि नहीं। और वैसे आगे जो है इस प्रकार से नहीं होने वाला है, क्योंकि 23 बैच से जो है अब
बिहार जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा संचालित होगा एग्जाम, जो कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोग बता चुके हैं, वो चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा रिजल्ट इसी प्रकार सर कॉलेज का जारी कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भभुआ का है ये रिजल्ट, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मुंगेर कॉलेज का है, और उसके बाद यहाँ पे किशनगंज है, मोतिहारी सॉरी लखीसराय, लखीसराय में मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे लगभग अच्छा खासा रिजल्ट आया है, सभी स्टूडेंट लग रहा है पास हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गया जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी अच्छा खासा रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कंकड़बाग जो नालंदा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सॉरी नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी कि NMCH, तो यही आपका ऑफिस है, यहाँ भी अच्छे खासा ये रिजल्ट आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ भी बच्चे पास आउट है, बढ़िया अच्छा खासा रिजल्ट है। इस प्रकार से सारा कॉलेज का इसी तरह रिजल्ट दिया गया, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट जहाँ पर सिर्फ पटना में ये कॉलेज है, लैब टेक्नीशियन कोर्स कराया जाता है, तो यहाँ पे 28 बच्चे पास आउट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कटिहार कॉलेज है, तो इस प्रकार से लगभग सभी कॉलेज के इसी तरह से रिजल्ट सेंड किए जा रहे हैं, जो भी मेरे पास रिजल्ट आया हुआ था आप लोग को हम दिखा दिए हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो भी राय है कमेंट में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।